पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हजार बाईस के सेमीफाइनल की मौसम रिपोर्ट जारी हो गई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सबका टी ट्वेंटी रिकॉर्ड क्या है हेड टू हेड में किसको है बर्तरी और सबका टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप मैचेस और आखिरी पांच मैचेस में किस टीम का रहा पलड़ा भारी अब कोई हमारे सामने नहीं आना चाहेगा पाकिस्तान के बैटिंग मिंटोर मैथ्यू हेडन की वीडियो वायरल सिडनी में पहले बैटिंग करना दुरुस्त या बाद में साब का रिकॉर्ड क्या कहता है कि बाबर आजम को टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग करना चाहिए या बॉलिंग आईसीसी सी एक अवार्ड पाकिस्तान के नाम और एक अवार्ड भारत के नाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अबासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स आज की हेडलाइंस आप जान चुके हैं कि इस रिपोर्ट में हम किन किन मौजूद पर बात करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 9 नवंबर को सिडनी में शेड्यूल टी वर्ल्ड कप 2022 के पहले सेमीफाइनल की वेदर रिपोर्ट के हवाले से जिसके हवाले से अपडेट सामने आई है और चार दिन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आज वहाँ पर बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया था और बारिश आज सुबह वहाँ पर हुई है और इसके अलावा कल यानी कि 8 नवंबर को वहाँ पर बारिश का कोई इम्कान नहीं है अलबत् कदरे हल्के बादल ज़रूर होंगे लेकिन 9 नवंबर जिस दिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें सिडनी के मकाम पर मध्य मुकाबला आएंगी उस दिन बारिश का इमकान है सुबह बारिश होगी और ये गो का का ये के इसका ख़तरा इसलिए कम है कि यह बारिश सुबह के टाइम होनी है लेकिन उसकी वजह से जो कंडीशन से ग्राउंड की वो चेंज हो जाएंगी और पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं हमेशा ऐसी जदो जो पोजिशन होती है या ऐसी कंडीशन होती है बारिश से ज़्यादा मैचेज उसमें कदर जदोजहद करते हैं लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स को इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है लेकिन अगर फ़र्ज करें टी वर्ल्ड कप दो का कोई भी सेमीफाइनल या फाइनल मैच बारिश की वजह से मुतासर होने का जो इम्कान है इसलिए काम है अगर फर्ज करें हो भी जाती है बारिश तो इन तमाम तीनों मैचों के लिए जो कि नॉकआउट मैचेस हैं रिज़र्व डे रखे गए हैं जो कि बहुत बड़ा एक अच्छा इतम है क्योंकि अगर इतना बड़ा इवेंट है उसके लिए आप अगर रिज़र्व डे नहीं नहीं रखते तो उसके लिए बड़े मुश्किल और मसाइल सामने आ सकते थे लेकिन जो कि रिज़र्व डे भी रखा हुआ है और वैसे भी जो बारिश का इमकान है नौ नवंबर को सुबह के टाइम पर पेश गोई की गई है और जब यह मैच शुरू होगा तो इन बारिश का इमकान कम होगा और अगर वेदर जो है जो वहाँ की रिपोर्ट है वहाँ के मुताबिक ये एक कदरे बॉलर्स को सपोर्ट मिलने का इम्कान है। ये तो थी वेदर रिपोर्ट और इसके अलावा आगे बात करेंगे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैचेस हैं वो किस में किसका पलड़ा भारी है और साहब का हेड टू हेल्ड रिकॉर्ड क्या है अगर मजमू तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मजमुई तौर पर अट्ठाईस टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैच खेले गए जिनमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी है जिसने सत्रह मैचों में कामयाबी हासिल की और उसके बदले ग्यारह मैचों में न्यूजीलैंड को फतह मिली जबकि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के मुकाबले देखे जाएँ तो यहाँ पर भी पाकिस्तान को वाज तौर पर बरतरी हासिल है छः में से चार मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं और दो मैचों में कामयाबी हासिल की है न्यूज़ीलैंड ने और दोनों टीमों के दरमियान जो पहला मुकाबला हुआ जो तारीख़ का पहला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हज़ार सात था उसमें कैप्टौन के मुकाम पर पाकिस्तान ने हराया उसके बाद दो हज़ार नौ में पाकिस्तान ने के मकाम पर न्यूज़ीलैंड को शिकस्त दी और दो हज़ार दस में पहली बार न्यूज़ीलैंड ने किसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त दी उसके बाद दो हज़ार बारह में पाकिस्तान कामयाब रहा दो हज़ार सोलह में न्यूज़ीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी जबकि उसके बाद जो आखिरी बार पाकिस्तान ने गुजत टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हज़ार स में दोनों का टाकरा हुआ और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और उसके अलावा आखिरी जो पांच टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैचेस हैं दोनों टीमों के दरमियान उनको देखा जाए तो यहां पर भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी है जिसने आखिरी पांच में से चार मैचों में कामयाबी हासिल की है और सिर्फ एक मैच में न्यूजीलैंड की टीम फतह हासिल कर सकी है इसका सिलसिला 2020 के टूर से आगाज़ हुआ था जिसमें रिजवान ने पहली बार ओपनिंग करते हुए बड़ी इनिंग्स खेली थी 89 नाइन रन बनाए थे ये उनकी मजमूरी तौर पर तीसरी इनिंग्स थी लेकिन पहली बार उनकी कारदगी सामने आई थी उसके बाद जो है देखा जाए तो अगले जो मैचेस हैं उनमें दो में शारजा के मकाम पर जो कि टी वर्ल्ड कप का मैच था उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और फिर हालिया जो ट्रेंगुलर सीरीज थी इसमें तीन बार दोनों टीमें मध्य मुकाबला आई जिसमें फाइनल मैच भी शामिल था और दो बार पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की ये दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड है और अब बात करते हैं पाकिस्तान के मिनट बैटिंग मिनटोर मैथ्यू हैडन के हवाले से जो कि एक रिकॉर्ड साज बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया की जानब से बड़ी टेस्ट इनिंग्स खेलने का रिकॉर्ड रखते हैं उनका शानदार कैरियर था वनडे के जहार मिजाज ओपनर्स में उनका शुमार होता है और गुज्त दोनों वर्ल्ड कप में दो के इवेंट में भी और दो के जारी इवेंट में भी वो पाकिस्तान के बैटिंग मिनटोर हैं इस हवाले से उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं उनका कहना है कि अब कोई भी टीम हमारे सामने नहीं आना चाहेगी क्योंकि पाकिस्तान टीम मौजूदा वक्त में एक ख़तरनाक टीम का रूप धार चुकी है और हकीकत भी है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह पहला मैच खेला इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने इंडिया को चारों छान चित कर दिया था लेकिन आखिरी तीन ओवर में एक तो अंपायरिंग के गलत फैसले हुए उसकी वजह से भी थोड़ा चेंज हुआ वरना पाकिस्तान ने उस मैच में शानदार खेल पेश किया था अलबत् जो जिम्बाब्वे के साथ मैच था वो पाकिस्तान टीम का एक खराब दिन था बैटर्स के हवाले से बॉलर ने तो कमाल कर दिखाया था एक सौ तीस पर आउट कर दिया था लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं वो नाकाम हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम वो मैच ना जीत सकी और एक बड़ा अपसेट हुआ लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने नदरलैंड को हराया फिर साउथ अफ्रीका को हराया जो कि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हज़ार बाईस में उनकी पहली शिकस्त थी जिसके बाद वो कम बैक ना कर सके अगले मैच में नदरलैंड के खिलाफ भी हार गई और टर्नामेंट से बाहर हो गई तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो कारदगी है वो शानदार है पाकिस्तान के बोलर्स ने सैंतीस विकटें हासिल की हैं अब तक जो कि सुपर ट्वेल्व में भारत के हमरा किसी भी टीम की बेहतरीन सबसे ज़्यादा विकटें और पाकिस्तान को सबसे बेहतरीन इकनॉमी रेट से बॉलिंग कराने का एजाज भी हासिल है सुपर टवेल्व में और पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो भी परफॉर्म कर रहा है तो सिर्फ ओपनिंग का मसला है तो ये मैथ्यू मैथ्यूडन की बात मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि मौजूदा वक्त में तमाम टीमों के ऊपर पाकिस्तान टीम की एक दाग बैठ चुकी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सेमीफाइनल में रसाई है ये वैसे हुई है पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस क्यों है मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ मैच खेला वो भी है। अच्छा मुकाबला किया इवन के पाकिस्तान का 80 परसेंट चांस था आखिरी तीन वर्ष से पहले और जिम्बावे के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग फ्लाप हो गई और ये होता रहता है आपसेट जो है आप देख रहे हैं आयरलैंड ने शिकस्त दी इंग्लैंड को फिर नदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को तो ये इस तरह के मैचेस में या बड़े टूर्नामेंट्स में एक आधा आपसेट इस तरह हो जाता है कोई ऐसा दिन होता है जो बड़ी टीम का दिन नहीं होता जिस तरह की वो पाकिस्तान के बैटर्स के लिए अच्छा दिन नहीं था तो उसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी है मास्वा ओपनर्स के और ओपनर्स में भी बाबर आजम खासतौर पर जो उनका स्ट्राइक रेट है वो टेस्ट फार्मेट की तरह का है उसके अलावा पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर ने भी इस बार अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तो उम्मीद है कि सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो इन शाह अच्छी कार मुजाहिरा करेंगे और अब बात करते हैं सिडनी के हवाले से जहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 का इस मैच के वाले से अगर हम बात करें इस ग्राउंड के वाले से बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल पहले बैटिंग करना सही फैसला होगा या बाद में तो यहाँ पर ओवरऑल अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पहले बैटिंग करने वाली जो टीमें हैं उनका फतह हासिल करने का तनासब ज़्यादा है मजमूई तौर तो पर यहाँ पर सत्रह टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं आज से पहले इस मैच से पहले जिनमें से एक मैच टाई और एक मैच बेनतीजा रहा जबकि दीगर जो पंद्रह नतीजा खेज मैचेस थे उनमें से नौ बार पहले बैटिंग करने वाली टीम को फतह मिली जबकि मजमू तौर पर छः बार यहाँ पर टारगेट चेस भी हुए हैं अगर टीमों की कारदगी देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर आठ मैचेस खेले हैं पहले बैटिंग की है चार जीते हैं तीन में शिकस्त कही है न्यूजीलैंड ने यहाँ पर तीन बार पहले बैटिंग की है दो जीते हैं एक में नाकामी हुई है पाकिस्तान ने यहाँ पर दो बार दो जो है पहले बैटिंग की है एक जीता और एक मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका था इंडिया ने यहाँ पर एक बार पहले बैटिंग की कामयाबी हासिल की साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर एक बार पहले बैटिंग की कामयाबी हासिल की अलबत् श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की टीमें चूँकि वो कमज़ोर भी हैं इस लिहाज से वो बाद पहले बैटिंग करने के बावजूद फतह हासिल नहीं कर सकें तो ओवरऑल अगर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आज़म टॉस जीतते हैं तो मेरे ख्याल में उनको पहले बैटिंग करना चाहिए और अब आखिर में बात करेंगे आईसीसी अवार्ड्स की गुजशत माह के बेहतरीन जो प्लेयर हैं उनका अवार्ड जो है जारी कर, कर दिए गए हैं एक एजाज़ पाकिस्तान के नाम रहा और एक इंडिया के नाम रहा पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की विमेन ऑलराउंडर निदा डार ने यह एजाज़ अपने नाम किया जिन्हें अक्टूबर 2022 की बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया उनके साथ साथ दो जो जीगर नॉमिनेट थी वो भी भारत के खिलाड़ी थी जिनमें दीप्ति शर्मा भी शामिल थी और उसके अलावा जमीका रोड्रिगर्स जो है उनको भी शामिल किया गया था लेकिन निदाडार चूंकि उनकी कारदगी शानदार रही थी उन्हें शामिल किया इस अवार्ड के लिए नामज़द किया गया जिन्होंने छः मैचों में ना सिर्फ एक सौ पैंतालीस रन बनाए बल्कि आठ विकेटें भी हासिल की थी बॉलिंग में एशिया कप जो वेमेन एशिया कप था उसमें शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था चौदह इशारिया आठ सात उनकी बॉलिंग एवरेज रही थी और ये पाकिस्तान की दूसरी खिलाड़ी बनी है जिन्हें आईसीसी की जानब से प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया इससे पहले रवां साल यह एजाज तूबा हसन ने हासिल किया था और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि एक और रवं साल ये दूसरी खिलाड़ी बनी है दो हज़ार इक्कीस में पाकिस्तान की कोई वेमेन प्लेयर ये एजाज़ हासिल नहीं कर सकी थी और दो हज़ार इक्कीस ही से ये सिलसिला शुरू हुआ है आई सी सी एवार्ड्स का और उसके अलावा में अगर बात करें तो विराट कोहली जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार बैटिंग की थी फिफ्टी थ्री गेंदों पर एटी नाइन रन्स बनाए और ऐसे मैच में भारत को फताह दिले जिसमें उसका इम्कान ना होने के बराबर हो चुका था और उन्हें अवार्ड दिया गया है अक्टूबर 2022 के बेस्ट प्लेयर का उनके साथ जिम्बाबे के सिकंदर रज़ा और साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर को भी नामज़द किया गया था लेकिन विराट कोहली को ज़्यादा वोट मिले इसलिए उन्हें अक्टूबर का बेस्ट प्लेयर करार दिया गया और ये मजमूरी तौर पर देखा जाए तो दो में ये सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला इससे पहले फरवरी में शेरियार एयर ने यह कारनामा सर अंजाम दिया था और मजमूरी तौर पर अब विराट कोहली पाँचवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जब से ये दूसरा वाले अवार्ड का जिसमें वो ये अवार्ड पाने में कामयाब रहे उन्हें आईसीसी का बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया और अब देखना ये है कि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो का जो नवंबर का महीना है जिसका आगाज हो चुका है और बहुत सारे मैचेस अभी खेले जा रहे हैं और कुछ मैचेस आने वाले बाकी हैं उसमें कौन सा खिलाड़ी बड़ी कारदगी दिखाकर ये अवार्ड अपने नाम करता है